हेलो लवली एंजल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, जनरल रीडिंग है तो आपको ओपन माइंड करके देखना है। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। सभी एज ग्रुप के लिए वो ऑब्वियस है, ठीक है। और जब भी आप मेरी रीडिंग देखेंगे, अपने थॉट्स को, अपने ओरा को बिल्कुल पॉजिटिव करेंगे। कोई नेगेटिविटी, कोई बर्डन लेकर नहीं देखेंगे। गॉड में बिलीव करेंगे, ठीक है। गॉड में किस तरीके से बिलीव करना है आपको पता ही है कि आपको अपनी लाइफ को की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को गॉड पे मतलब छोड़ देना है। कुछ नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी है। भले से आपके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इशूज़ हों, हेल्थ इशूज़ हों, रिलेशनशिप हो, गॉड पर बिलीव करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाले करें आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं, ठीक है। चलिए ओके। वाह, नाइट ऑफ कप्स। जब भी आप कोई भी रीडिंग देखें, ओह माय गॉड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, विश फुलफिलमेंट। ओके, ओके। कार्ड शफलिंग का टाइम आपको नहीं पसंद है तो आप वो टाइम स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत प्यारे कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। ओके, हो सकता है आप में से किसी का स्पिरिट एनिमल हॉर्स हो यहाँ पर, या फिर पिजन हो या आउल हो सकता है, ठीक है। या फिर जब आप ये रीडिंग देखेंगे उससे पहले या फिर उसके बाद में आपको हॉर्स ज़रूर दिखाई देगा। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जीज। ओके, ठीक है। यहाँ पर आपका बिहेवियर थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकता है, आप थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से कि आप पहले ऐसे नहीं थे। सिचुएशन की कुछ हालात ऐसे हुए जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज इस तरह की हो गई कि आप गुस्से में रहने लगे हैं। आपको किसी से बात करना नहीं पसंद है। हालांकि जब आप अपने फ्रेंड्स में या फिर अपने फैमिली में जाते होंगे तो आपको लगता होगा ठीक है यहाँ पे मैं ठीक से बात करूँ, लेकिन अकेले में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। इन सभी चीज़ों से आपको निकलना है। ओके, ठीक है। एक और कार्ड लेंगे हम यहाँ पर। ओह माय गॉड, जस्टिस। देखिए, जो भी आपके लाइफ के इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, ये तो गारंटी है कि आप सबसे पहले गॉड पे उसको छोड़ दीजिए, वो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ, और गारंटी ये है कि डेफिनेटली आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक होनी ही होनी है। ओके, चलिए हम ग्रीटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्यों आपकी ये एनर्जीज हैं जो मैं बताने वाली हूँ, हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है। आपके पार्टनर ने बहुत बुरी तरह से, मतलब आप सोच नहीं सकते थे, इस तरह से आपके साथ ब्रेकअप किया है, और इस वक्त आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, या फिर आप में से किसी की एनर्जी हो सकती है कि आपको ये गिल्ट अंदर खा रहा है कि आपने किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो देखिए, अगर आपने किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आप उसे माफ़ी मांग सकते हैं जिस बात को लेकर के, आप उसे आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार दे सकते हैं जिससे कि वो इस दर्द से निकल जाए। आप इस तकलीफ में हो सकते हैं या आपके द्वारा किसी इंसान को ये तकलीफ दी गई है, तो अगर है तो आपको अच्छे से पता होगा किस तरीके से इस चीज़ को सामने वाले के दिल दिमाग से निकालना है। ओके, और अगर आप इस एनर्जी में हैं तो किसी के साथ अपनी बात शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है आप किसी के साथ बात शेयर नहीं कर सकते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आपको लगता है कि फॉलो नहीं करना है मत कीजिएगा, लेकिन आपके दिल की जो भी बात है वो आप मुझे वहाँ पे बड़ा सा मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट में भी आप अपनी बात बता सकते हैं। हो सकता है मैं जल्दी रिप्लाई ना करूं, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस पेंडिंग हैं वहाँ पर, और कई बार मैंने जब बोला है कि आप लोग अपने मैसेजेस या अपनी प्रॉब्लम कोई भी मुझे इनबॉक्स कर दिया कीजिए इंस्टाग्राम पर, तो आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए हुए हैं वहाँ पर। और अभी भी अगर आप में से किसी को भी ज़रूरत है और लगता है कि कोई किसी के साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते हैं तो कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि वो मैं रिसीव नहीं करती हूँ, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम मुझे वहाँ ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी रिप्लाई करूँ, ठीक है। ओके, ओके, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ये एक सिचुएशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें डिसाइड की। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आपको
आप सोच कुछ और रहे हैं अपनी लाइफ में, हो कुछ और रहा है, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हैं, पॉजिटिव चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन हर जगह ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप में, फाइनेंस में, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं आपको, यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें, जो भी आप में से कोई ऐसा फील कर रहा है, आप ऑब्वियस मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये कंडीशन, ये सिचुएशन हो सकती है। अब आपके लिए यूनिवर्स क्या गुड न्यूज़ देने वाला है, क्या चीज़ें हैं जो आपको रिसीव करनी है, किस तरह से करनी है, मैं कोशिश करूँगी आपको डिटेल में बता दूँ। देखिए, आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आ रही है, आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अब वो रिलेशनशिप में भी हैं, अगर आपका कोई रिलेशनशिप इशू है तो, जॉब में है तो जॉब में आपके पॉजिटिविटी आएगी, जो भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ है तो हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको एकदम पॉजिटिव रहना है अपनी सिचुएशन को लेकर, ओके। यहाँ अगर आप किसी पर्सन के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर उस पर्सन का कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं। अगर आपने जॉब इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से आपको कोई कॉल रिसीव हो सकती है ज्वाइनिंग के लिए। यहाँ पर यूनिवर्स आपको अपने चक्र बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं और सेल्फ लव करने के लिए कह रहे हैं। 9 of Pentacles ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। यहाँ पर आपकी विश पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, क्योंकि इन दिनों में मुझे से लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। नेगेटिव सोचने की वजह से आपको नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट कर रही हैं। अबंडेंस भी मिलेगी आपको, सक्सेस मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन इसके लिए आपको सेल्फ लव करना ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेटिट्यूड कीजिए यूनिवर्स को। यहाँ पर आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है, पॉजिटिव चीज़ें कीजिए, जो आपको, जो आपके हॉबीज़ हैं उन पर ध्यान दीजिए। किसी के साथ आप अपनी बात भी शेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। यहाँ पर आपको आपको दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है तो खुद से खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं और आप नेगेटिविटी की वजह से उन अपॉर्चुनिटीज़ को खो ना दें, ठीक है। इस वजह से आपको थोड़ा खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, ओके। आपकी लाइफ में सक्सेस भी है, अबंडेंस भी है। यहाँ पर आपको वाटर टेक्निक करनी है। यूनिवर्स आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपके साथ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई जिससे आप भूल नहीं पा रहे हैं, आप वाटर टेक्निक कर सकते हैं, जिससे कि आप पास्ट की ग्राउंडिंग कर सकते हैं, कि पास्ट की लाइफ की जो भी बातें हैं उन सबको आपको रिलीज़ कर देना है, उसमें उलझे नहीं रहना है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई एक बात है दिल में जो आप पकड़ कर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये जो भी ब्लॉकेज है आपकी लाइफ का, ये आपको रिलीज़ करना है, और इसी में, इसी को पॉजिटिव लेकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ना है। ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। नेगेटिविटी से आपको ख़ास तौर पर दूर रहना है। ये जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ये इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, इससे आप निकल जाएंगे, इसमें बैलेंस आएगा, आपकी लाइफ के हर इशू में जस्टिस होगा। यहाँ पर जस्टिस दिखाई दे रहा है। बैलेंस करना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि यूनिवर्स जस्टिस भी करेंगे, बैलेंस भी करेंगे, लेकिन आपको खुद को भी ग्राउंडिंग करके अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि यूनिवर्स आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको गुड न्यूज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी लाइफ में अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं और आप अपने आप को तकलीफ़ में रखकर उन चीज़ों से, उन अपॉर्चुनिटीज से अपने आप को हटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको अपने ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी लाइफ में आपको अपने आप के ऊपर सेल्फ लव करना ज़रूरी है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे नई शुरुआत दिखा रही है हर चीज़ में, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, जिस पर्सन का वेट कर रहे हो ना कॉल मैसेज का, उसका कॉल मैसेज ज़रूर आपके पास आएगा और रिलेशनशिप में आपकी नई अच्छी शुरुआत होगी। जिस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है ना, वही पर्सन आकर आपसे माफ़ी भी मांगेगा। और ये वो पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन उसने किसी और रीज़न की वजह से आपको हर्ट किया है, तो वो पर्सन आके आपके साथ रिलेशनशिप भी स्टार्ट करेगा, लेकिन आपको फिर से इस नेगेटिविटी और इस जो जो आप बर्डन लेकर चल रहे हैं, जो आप अपने आप को बांध के रखे हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, उससे दूर निकलना पड़ेगा, उससे हटना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में जस्टिस होगा और नई शुरुआत होगी। यहाँ पर अब मुझे लग रहा है आपने अपने आप को स्टक किया हुआ है। टैरो से और देखना चाहूँगी, आपने अपने आप को यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है यहाँ से, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ सारी चीज़ें पॉजिटिव होते हुए दिख रही हैं। हो सकता है काफ़ी लंबा समय निकल गया, इसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जजमेंट होगा यहाँ पर, जस्टिस एंड जजमेंट दोनों आए हैं। आप हील हो जाएंगे, जो आप इस नेगेटिविटी में, इस जिसने भी आपको हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा आप दुख में, उससे निकल जाएंगे। आपका रिलेशनशिप भी हील होगा, आप खुद भी हील होंगे। यहाँ पे यूनिवर्स जस्टिस करेगा आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में, ओके। यहाँ पर आपकी लाइफ में अबंडेंस और सक्सेस दोनों है, लेकिन मैंने सक्सेस की बात की,
आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपके मैनिफेस्टेशन जो भी है वो सब सक्सेस होंगे, ज़रूर होंगे। यूनिवर्स सारी आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर आएगा, अबंडेंस लेकर आएगा। आपको नेगेटिविटी से निकल कर पॉजिटिविटी की तरफ जाना है और सेल्फ लव स्टार्ट करना है। ओके, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए, पॉजिटिव रहिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, और जो भी आप टेक्निक करना चाहते हैं खासतौर पर वाटर टेक्निक वो ज़रूर करनी है आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।